यहाँ अभी तक नहीं आई। आयशा, नेहा के रूम में आप क्या कर रही हो? वो उमर सर्वेंट नहीं आई ना आज, तो इसलिए अम्मी ने कहा था कि नेहा का रूम देख लो, तो बस मैं बेडशीट ठीक कर रही थी। तो आयशा रिलैक्स, इतना घबरा क्यों रही हो? बस काम हो गया एक्चुअली। ठीक है, घबराती तो नहीं है ऐसे, पता नहीं इसको क्या हो गया आजकल। आंटी जी बेटा। आंटी मेहंदी देखें कितनी प्यारी लग रही है। अच्छा, और ये तो बहुत अच्छी लग रही है मेरी बेटी के। ये आज देखें बहुत इसने प्यारे कितनी लग रहे हैं, कितनी बहुत प्यार से अच्छी लगाई है, लगाई इतनी है। प्यारी। हाँ, बहुत अच्छी लगाई है। मैंने सोचा इसको ही डन कर दूंगी शादी के लिए। हाँ, सही है बेटा। हाँ, आपको ऐसे ही पसंद आई बोलो। ना, हाँ, मुझे बहुत फिर हम अच्छी मिलके लगी है। चलेंगे इसे मेहंदी लगवाने। ठीक है सही है। अच्छा उमर कुछ पूछ तो नहीं रहे थे? अरे बेटा, उसने तो जीना मुश्किल कर दिया मेरा। अम्मी नेहा कहाँ है, कहाँ गई है, किसके साथ गई है, कितनी देर हो गई गए हुए, मुस्तकिल सवाल कर रहा है मुस्तकिल। उमर इतने सवाल क्यों करते हैं आंटी? बेटा, बस वो तुम्हारी केयर करता है इसलिए। ये बात तो है, उमर मेरी बहुत केयर करते हैं। अभी कहाँ है उमर? अभी अभी वो आपके रूम में है और इंतजार कर रहे हैं। चले मैं उमर को भी मेहंदी दिखा देती हूँ, तसल्ली हो सही, हाँ सही जाएगी। सही, दिखा आती हूँ दो। मैं। कहाँ रह गई यार ये मोहतरमा, अभी तक आई नहीं। उमर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आपका इंतजार, कहाँ गई थी, किसके घूमने साथ? अपनी दोस्त के लड़की कौन सी दोस्त या दोस्त? की बात कर रही हूं मैं। पक्की बात है ना, हाँ या फारूक से मिलकर आ रही हो? फिर उस बकवास इंसान का नाम लिया तो अकेले जाओगी तो और मैं क्या समझूंगा फिर? तो तो मतलब मुझ पे शक करेंगे फिर आप? बताकर जाना चाहिए ना। मतलब अगर बता के नहीं गई, जल्दी में निकल गई, तो आप फारूक को बीच में लेके आएंगे? लाना नहीं चाह रहा था, बस वो लेकर आ गया। सॉरी करन, इतनी सी बात पे सॉरी? अरे मैंने बोला आयशा का कुछ? सॉरी। ओके ये देखें वाह यार, ये कितनी प्यारी लग रही है, ये कब लगवाई? अभी यही लगवाने गई थी मैं, तो बताया क्यों नहीं मुझे? क्योंकि मुझे आपको सरप्राइज देना था। यार माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है। मेरा नाम लिखवाया नहीं शादी पे क्यों? लिखवाऊंगी चलो ये भी ठीक है, लेकिन अभी क्यों लगवाई? यार, वो मेरी फ्रेंड है ना, वो कह रही थी कि मुझे मेहंदी लगाना आती है, तो मैंने बोला मैंने कभी लगवाई नहीं, तो मैं अपनी शादी पे रिस्क क्यों लेती? मैं ट्राई करवा के आ गई। नहीं, मेहंदी बहुत अच्छी लगाई है और ये बहुत अच्छी लग रही है आपके हाथ पर, तो आप ना शादी पर भी इससे ही लगवाना। सही है, कलर इतना अच्छा आया है। अभी आ रहा है, देखें मेहंदी उतरना शुरू हो गई है। कहते हैं जब लड़की की मेहंदी का कलर अच्छा है ना, तो समझ जाना चाहिए कि लड़की बहुत खुश है और उसकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आने वाली हैं। आपको पता ही नहीं कि होता क्या है, ऐसे ही सुना है मैंने। ऐसा ही होता। फिर मम्मा बता रही थी कि जब लड़की की मेहंदी का कलर अच्छा आता है तो उसकी सास उससे बहुत प्यार करती वो तो ऑलरेडी करती ही है। हैं। बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू, बस यही सरप्राइज देना था मुझे। बस बस अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ। आप क्यों बना रही हैं चाय? मैं बना देता हूँ। चाय फिर बना के ले आए, अच्छा है मेरी मेहंदी और सूख जाएगी। हाथ खराब हो जाएंगे ना फिर आपके। अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चाय अब आप मेरे लिए चाय बना के लेके आए, मैं थक गई हूँ लगवा के। ठीक अभी जाता हूँ, लेकर आता हूँ, है। आराम कर लें, थक गई होंगी। हाँ ये अलग है। दिल चाह रहा है देखता रहूं। जाए यार सर में दर्द हो रहा है। सर में भी दर्द होने लग गया मेरी वजह से। नहीं इतनी देर रही हूँ आग करके बैठी रही लगवाते हुए। ओ बिचारी, जाए चाय बना करके। नहीं दबा दूं हाथ? मेहंदी खराब हो जाएगी, बड़ी देर में ख्याल आया, मैंने देखा नहीं था। देख लिया करें मुझे भी। आ रहा हूं चाय बना के। ओके
क्या कर रही थी मेरे लैपटॉप पर। और भाई उमर भाई की अम्मी। अरे उमर की अम्मी क्या हो गया उर्रम? तो मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा शादी की शॉपिंग के लिए, सब उमर भाई कर रहे हैं। बेटा ऐसी बात नहीं है, अभी नेहा की शॉपिंग हो रही है और तुम्हें पता लड़कियों की बहुत ज्यादा शॉपिंग होती है। नेहा की शॉपिंग हो जाए फिर जब उमर अपनी करेंगे ना तो वो आपको भी ले जाएंगे साथ में, फिर दोनों एक साथ कर लेना, परेशान नहीं हो। भाई अम्मी नेहा आपे की शॉपिंग तो सारी जिंदगी खत्म नहीं होगी, तो मैं क्या सारी जिंदगी वेट करता रहूं? अरे बेटा परेशान नहीं हो, अभी 2 महीने हैं और नेहा की शॉपिंग 1 महीने में हो जाएगी और उसके बाद आप और उमर शॉपिंग कर लेना बस। चले अम्मी अल्लाह करे ऐसा ही हो। बाय द वे अम्मी मुझे आपसे ना एक बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो। अम्मी वो ना आयशा आपी जो है ना आजकल बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है मुझे, वो गुस्सा करती है, नाराज़ हो जाती हैं। पहले ठीक थी लेकिन जब से उमर भाई की शादी की बात हुई है ना तो वो चेंज हो गई हैं बिल्कुल। बेटा कहना क्या चाह रहे हो, सही से बताओ मुझे। अम्मी मुझे लगता है कि ना आयशा आपी उमर भाई को पसंद करती हैं। क्या? खुर्रम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो सही है? शादी सर पे खड़ी है, तुम्हें पता है कुछ, उमर आशा को अपनी बहन समझता है और आइंदा मैं ये अल्फाज तुम्हारे मुंह से नहीं सुनूं। तुम्हें पता है उमर कितना प्यार करता है नेहा से और मैं कभी ये नहीं चाहूंगी कि उन दोनों के बीच में कोई तीसरा आए, और आइंदा इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारे मुंह से ये बात दोबारा ना निकले। जाओ यहाँ से। रुको एक मिनट। जी ये सारी बातें तुम्हें आयशा ने बोलने के लिए कहा था? नहीं नहीं अम्मी आयशा आपी ने तो कुछ नहीं कहा, मुझे खुद ऐसा फील हो रहा तो मैंने आपसे कह दिया, अब आयशा भी उससे कुछ मत कहिएगा। अच्छा ठीक है चलो तुम जाओ। यार ये मैंने क्या कर दिया, मामा जान को आयशा आपी का पता दिया, अगर मामा जान ने ये बात आयशा आपी से कर ली तो आयशा भी मुझे छोड़ेंगी नहीं, और मामा जान आज इतने गुस्से में थी, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा उनको इतना गुस्से में। क्या होगा अगर मामा जान ने आयशा से पूछ लिया तो, अल्लाह रहम करे। आंटी मैं आगे मार्ट तक जा रही हूँ आधे घंटे के लिए, कुछ चीज़ें लेनी है। हाँ हाँ बेटा जाओ कोई मसला नहीं है। ठीक है आंटी, लेकिन मसला ये है कि टेलर ना मेरी शर्ट स्टिच करके भिजवा रहा है थोड़ी देर में ना, तो मैं तो जा रही हूँ, आप पिक करवा लेंगे उसको? हाँ हाँ बेटा मैं ले लूँगी, मैं आशा से कह दूँगी वो ले लेगी। जी बस थोड़ी देर में आएगा ना, मैं आपको कॉल कर दूँगी, आप उससे ले लिएगा। हाँ ठीक है ठीक है। थैंक यू आंटी, सॉरी आपको तंग कर रही हूँ लेकिन जाना भी ज़रूरी है ना। नहीं 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 हाँ ऐसी कोई बात नहीं, इसमें क्या मसला है, ये छोटी सी बात के लिए। चले फिर मैं होके आती हूँ। ठीक अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी जी क्या कर रही हैं? कुछ नहीं बेटा अभी आके बैठी थी, बस ये सोच रही थी कि बहुत काम है। तो क्या टेंशन में हूँ ना, अभी कोई काम है जरूरी जो करना है? हाँ बेटा है अभी काम, नेहा बाहर गई हुई किसी काम से, तो अभी ना राइडर उसका सूट लेकर आएगा तो वो जरा तुम ले लेना। चलें ठीक है कोई मसला नहीं, मैं पिक कर लूंगी। कितनी देर में आ रहा है? बस थोड़ी देर में आ रहा है। चलें ठीक है मैं देख लेती हूँ, कहीं आया ना हो मैं नीचे भी बोल दूंगी ना, क्या है तो मुझे बताते हैं। ठीक है। कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? वो एक्चुअली नेहा का पार्सल आया है तो अम्मी ने कहा था रिसीव कर लेना, वो लेने जा रही हूँ। चलो ठीक है। नेहा के पार्सल आना शुरू होगा। ओह तो मैडम अपने रूम में भी नहीं है और मैडम का पार्सल आया है, मैं ही देख लेती हूँ क्या मंगाया है। ओके शर्ट स्टिच करके आई है इनकी। बहुत प्यारी लग रही है, बहुत दिल से सिलवाई होगी उमर को दिखाने के लिए, लेकिन ये इसको पहनना नसीब नहीं होगी क्योंकि मैं इसको फाड़ दूंगी। जब जब इसकी चीजों को देखती हूँ बहुत गुस्सा आता है,
काम डाउन आयशा, शर्ट भी फाड़ दी, अब क्या करूं? इसको इसी में रखते हैं। Oh my fucking goodness.